नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि जी हाँ दोस्तों, आपका जन्म कुंडली में आपके नक्षत्र से, जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने जन्म नक्षत्र से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं, आज की वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से रेड बटन होगी इसको क्लिक कर लीजिए, उसके बगल में रिंग बेल होगी इसको प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्या हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक के पिलाल किताब एरोपामिस्ट्री वास्तु मैच के पटिशन क्लासेस स्टार्ट है, नोट्स भी उपलब्ध हैं, आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि किस तरीके से जाने कि आपके जन्म, अपनी लग्न कुंडली से आप अपने जन्म नक्षत्र से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है या सरकारी नौकरी के योग नहीं है। दोस्तों वैसे सरकारी नौकरी मेहनत जरूर करना चाहिए, हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत आपको जरूर करनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिल सकती है, मेहनत का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आपको करना क्या है, अपनी एक कुंडली उठाइए। देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुंडली बनाई है, जहाँ पे एक नंबर लिखा है ना वो आपका कुंडली का लग्न होता है। तो आप लोग अपनी जन्म कुंडली उठाइएगा तो वहाँ पे जहाँ पे एक नंबर लिखा है वहाँ पे आपकी कुंडली में एक से लेके 12 नंबर तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, वही आपका लग्न हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो 6 नंबर में आप देखिए आपकी कुंडली में भी लग्न कुंडली में एक से लेके 12 नंबर तक लिखा हो सकता है, ठीक है। तो अब एक से लेके 12 नंबर तक लिखा हो सकता है तो वो आप देख लीजिएगा कौन सा नंबर है। तो अब आपके मान लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, ये मेष लग्न की कुंडली और कुंडली का जो छठा भाव होता है वो कन्या राशि आती है। तो कन्या राशि का स्वामी क्या है, बुध ग्रह। तो अब आपको ये देखना है कि आप अपने जन्म कुंडली में जब आपकी कुंडली बनती है तो उसमें देखिएगा बुध ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे नक्षत्र की एक लिस्ट बनाई है, जरा ये देख लीजिए। देखिए हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। सूर्य के यहाँ पे मैंने तीनों नक्षत्र का वर्णन किया है, हर एक 9 ग्रहों का वर्णन किया है। जैसे सूर्य कृतिका, सूर्य का कौन कौन से नक्षत्र है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। चंद्रमा का कौन सा है, रोहिणी, हस्त, श्रवण। मंगल का कौन सा है, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। राहु का आद्रा, स्वाति, सतविषा। गुरु का कौन सा है, पुनर्वशु, विशाखा, भूर, भाद्रपद। शनि का है पुष्य, अनुराधा, उत्तराभाद। बुध का है अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। केतु का है अश्विनी, मघा, मूला। शुक्र का है भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़। दोस्तों यही आपको देखिएगा कि एक यहाँ पे 6 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ एक से लेके 12 नंबर तक का कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, उस नंबर के आधार पे यहाँ चूंकि बुध बन रहा है तो बुध में देखिए अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ठीक है। अगर आपका छठे भाव का जो स्वामी जो भी ग्रह बन रहा है वो सूर्य के नक्षत्र, चंद्र के नक्षत्र या फिर शनि के नक्षत्र या फिर गुरु के नक्षत्र में हो तो आपकी सरकारी नौकरी 101% लगेगी। फिर से सुन लीजिए, आपकी कुंडली में छठे भाव का जो स्वामी है उसका नक्षत्र सूर्य हो या चंद्र हो या फिर शनि हो या फिर गुरु हो, ये 4 नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये नक्षत्र हमें से कोई है तो आपकी सरकारी नौकरी 101% है। यही चीज अगर आपको छठे भाव में नहीं मिल रही है तो कुंडली का जो 10वां भाव जहां मैंने 10 नंबर लिखा है यहाँ पे भी आपकी कुंडली में एक से लेके 12 नंबर तक हो सकते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा और उसमें भी यही चीज चेक करिएगा कि आपके 10वें भाव का जो स्वामी है वो सूर्य के नक्षत्र या चंद्र के नक्षत्र या फिर गुरु या शनि के नक्षत्र में है कि नहीं। इन 4 नक्षत्रों में अगर बनता है तो 101% जल्द ही सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। आपको ज़्यादा एफर्ट्स 2-3 प्रयासों में, आपको 2 प्रयासों में आपको मिल जाएगा, किसी किसी का पहले प्रयास में। अगर इन नक्षत्र में नहीं है उसके बाद आपको सिर्फ देखना है बुध और मंगल का नक्षत्र। बुध या मंगल का नक्षत्र छठे या 10वें भाव के स्वामी में अगर हो तो सरकारी नौकरी इनको मिलने के चांस है, लेकिन ऐसे लोगों को बहुत संघर्ष के बाद नौकरी मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं अपने जन्म नक्षत्र के आधार पर कि सरकारी नौकरी मिलेगी कि ये नहीं मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों हेल्प चैनल को देखने के लिए, प्लीज़ भी सब्सक्राइब द चैनल। समस्या हो तो मेल कर देगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, लोशो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक के बिलाल किताब टैरो पॉमेस्ट्री वास्तु मैच के पटिशन क्लासेस स्टार्ट है, आपको ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स भी उपलब्ध है। धन्यवाद दोस्तों हेल्प चैनल को देखने के लिए।